हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो हमारे पास ये थार गाड़ी है और इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम कुछ सेटिंग देखेंगे। आखिर इसमें क्या क्या सेटिंग्स है और क्या क्या फीचर्स हैं उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये बटन देख रहे हैं, 1 2 3 4। इन बटनों ये 4 बटन का यूज़ करके हम इसमें सेटिंग्स हम चेंज करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होगा। तो बेसिकली अभी जो यहाँ पर आ रहा है ये है AFE 15.6 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका ना इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है इसकी 15.6 की है। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं ये एरो ऊपर की ओर एरो है और ये नीचे की ओर एरो है। तो ये जो एरो हैं ये कैसे ऑपरेट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की ओर एरो है और यहाँ पे नीचे की ओर एरो है। तो जब हमें काम होगा ऊपर के लिए तो हमें ये वाला बटन दबाएंगे और जब काम होगा नीचे के लिए हम ये वाला बटन दबाएंगे। और ये वाला जो बटन है, इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो विंडो है ये चेंज होगी। तो मैं आपको पहले ये चेंज करके दिखाता हूँ एरो वाला। तो आप नीचे देख सकते हैं जब मैं इस बटन को नीचे की ओर प्रेस करूँगा 8, तो आप देख सकते हैं DTE 115 किलोमीटर लिखा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टेंस टू इम्पटी है ये। और ये हमारा जो फ्यूल है इम्पटी होने से पहले 115 किलोमीटर तक चलेगी, जिस एवरेज से भी हमारी गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, AFE और DTE। अब हम चेंज करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, मैं इस वाले बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा यहाँ पे मेन्यू चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड है, ये डिजिटल स्पीड है जो हमारे किलोमीटर की स्पीड होगी। यहाँ पे जो हम यहाँ पे चलेंगे वो स्पीड यहाँ पे लिख के हमारी आएगी। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन से आ रहा है, अपनी गाड़ी बनी हुई है, उसके बाद एरो बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग एंगल आ रहा है। देखिए मैं स्टेयरिंग घुमाऊंगा हल्का फुल्का तो यहाँ पे एंगल चेंज होगा, देख सकते हैं ये। तो ये स्टेयरिंग एंगल है। चेक टायर डायरेक्शन, तो टायर का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली ये आएगा। और यहाँ पे वार्निंग है, वार्निंग में अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रेस, ये एरो है फॉर इंटर के लिए है। तो अब इसके अंदर हमें जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं यहाँ पे एरो सा बना है। तो यहाँ पे हम एरो का बटन दबाएंगे। तो जब एरो का बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्निंग 1 लिखी हुई है। जैसे और मल्टीपल वार्निंग होगी तो वैसे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे वार्निंग है वियर सीट बेल्ट की। तो मैंने जैसे यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है इस कारण से ये लाइट वार्निंग आ रही है। तो अब फिर से हम आगे जाते हैं, एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे इंटर के लिए भी इसी को प्रेस करना है, प्रेस एग्जिट। अब एग्जिट करना है तो फिर से एरो को प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एरो को प्रेस कर रहा हूँ, हम एग्जिट हो गए। अब हम आएंगे यहाँ पे सेटिंग्स है, तो ये सेटिंग्स है। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेयरिंग से बनी हुई है, यहाँ पे आप ट्रिप देख सकते हैं। सेटिंग्स में हम अभी बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पे और जो इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आ रही ट्रिप, और ट्रिप हमारे पास यहाँ पे होती हैं 2, ट्रिप ए ट्रिप बी। ये ट्रिप बी है और ये ट्रिप ए है। तो हमारे पास ट्रिप जो है वो 2 ट्रिप हैं। और ट्रिप के ऊपर जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो, और क्या टाइम हम चले हैं उस स्पीड में, वो हमारी यहाँ पे लिख के आएगी। तो 25 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रही है और हमारा जो टाइमिंग थी ट्रिप ए की 54 घंटे 16 मिनट की है। और ये जो ट्रिप बी चली है उसकी टोटल एवरेज स्पीड भी 25 किलोमीटर पर आवर की है और ये भी हमारी 54 घंटे 16 मिनट के लिए है। तो इसे हम रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ट्रिप पे हम आएंगे
और यहाँ पे ये एरो सा बना हुआ है, इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ज़ीरो हो गया है। तो अब जैसे ये ज़ीरो हुआ है ट्रिपे, वैसे ही हमारा ट्रिपे का जो भी इंफॉर्मेशन है सारी, ये सारी ज़ीरो हो गई है। अब ट्रिप भी हमारी रहेगी, तो इस तरह से हम ज़ीरो करना चाहें तो ज़ीरो कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइम सेटिंग है, तो टाइम सेटिंग हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। तो अब आगे जो है ये हमारा था फ्यूल का, जो बता चुका हूँ मैं आपको, ये स्पीड का है, ये हमारा है जो ट्रांसमिशन से रिलेटेड आ रहा है, और स्टीयरिंग एंगल से, वार्निंग और सेटिंग। अब सेटिंग के अंदर इंटर करने के लिए फिर से यहाँ पे कह रहा है प्रेस एरो इंटर, तो हम एरो प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक प्रेस करने के लिए है और एयर बैग को हटाने के लिए यहाँ पे है। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से सेटिंग में आएंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे मूव करेंगे। तो इसको हम एयर बैग को, पैसेंजर एयर बैग को डिसेबल कर सकते हैं और ऑन और ऑफ, इसमें ये दो सेटिंग्स हैं, तो इसे हम ऑन रखेंगे। और अब हम करते हैं बैक, ऊपर एरो दबाएंगे ऊपर की ओर जाएगा। और इसे हम करते हैं बैक। इसमें टाइम सेटिंग के लिए क्या करना है ये देख लेते हैं। तो इसमें हम तो यहाँ पे आपको टाइम सेटिंग के लिए क्या करना होगा, ये टाइम सेटिंग हमारी म्यूजिक सिस्टम से होगी। तो म्यूजिक सिस्टम के लिए हमें यहाँ पे होम बटन को प्रेस करना है। इसको हम आएंगे आगे, यहाँ पे सेटिंग लिखी हुई है, उसके बाद सिस्टम पे है, सिस्टम पे हम टच करेंगे। और जैसे कि टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्लस करूँगा और तो हमारा टाइम घटेगा बढ़ेगा, आप देख सकते हैं प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तभी हमारा टाइम हो रहा है 5:04। तो 5:04 मैं इसे कर देता हूँ। और जैसे GPS से करना है तो GPS के थ्रू सिंक्रोनाइज रहेगा, ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। 24 घंटे या 12 आवर का करना है, जैसे मैंने अभी ये 24 घंटे का कर दिया, तो आप देख सकते हैं टाइम हो गया हमारा 17:06। इसको मैंने कर दिया 12 घंटे का, तो 5:06 हो गया, PM हो गया। तो इस तरह से हम टाइम सेटिंग कर सकते हैं। इसमें एक और सेटिंग है, वो मैं बताना भूल गया आपको। तो यहाँ पे जब हम डिस्प्ले करते हैं, ये हमारी इस वाले इंफॉर्मेशन में, तो इसमें एक लाइट का ऑप्शन है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में लाइट जल रही है, इस लाइट को हम ऑफ कर सकते हैं। इस लाइट को ऑफ करने के लिए क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में हम आएंगे और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड एरो लाइट ऑन स्लैश ऑफ। तो ऑन करने के लिए भी एरो को हम प्रेस करके रखेंगे और ऑफ करने के लिए भी। तो जैसे कि अभी ऑन है तो इसे हम प्रेस करके रखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये लाइट हमारी बंद हो गई है, ऑफ हो गई है। अब इसे ऑन करने के लिए फिर से हम एरो को प्रेस करके रखेंगे, तो ये लाइट हमारी ऑन हो गई है। तो ये कुछ डिस्प्ले की सेटिंग थी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।